हे गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रैफिक लाइट्स बना के दिखाऊंगा इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले हम कुछ पैरामीटर्स लेंगे, पैरामीटर्स जिससे कि हमें एक पर्टिकुलर डेटा बनाना है। उस डेटा को समझने के लिए कुछ पैरामीटर्स चाहिए। सपोज़ हम सेल्स डेटा ले रहे हैं यहाँ पे और उसको एक पर्टिकुलर रेटिंग देंगे कि हमारा सेल पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कुछ परसेंटेज में होता है मंथली, सपोज 50%। और इस चीज़ को हम डिफाइन करेंगे विथ रेड, येलो एंड ग्रीन लाइट्स। मतलब अगर हमारा सेल का जो रेटिंग है वो बिलो 30% हुआ तो रेड में हाईलाइट करो, अगर बिटवीन 30% टू 50% होता है तो उसको आप येलो में हाईलाइट करो, या तो अगर मोर देन 50% होता है तो उसको आप ग्रीन में हाईलाइट करो। तो ये हमारे पैरामीटर्स हैं जो हमको लेने हैं, और आप ये पैरामीटर्स आप अपने लिए सेट कर सकते हैं। तो हमने जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे लिया है, मैं आपको बाद में एक अच्छे से डैशबोर्ड बना के ट्रैफिक लाइट्स का यूज़ समझाऊंगा। फिलहाल ये वीडियो आपको समझाने के लिए है। अभी इंसर्ट में जाके आप एक राउंडेड रेक्टेंगल इंसर्ट कीजिए अपने एक्सेल शीट में, और उस राउंडेड रेक्टेंगल के आप अपने हिसाब से आप उसका डायमेंशन ले सकते हैं, कोई भी हाइट या साइज का आप ले सकते हो। और आपको सबसे पहले उसका जो शेप आउटलाइन है उसको नो आउटलाइन करना है, और शेप फिल में जाके आप कोई भी शेप फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे अपने पैरामीटर्स का जो है वहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे कि किस फॉर्मूले से वो काम करेगा। तो रेड के लिए जो फॉर्मूला है वो होता है कि इफ़ माई सेल वैल्यू, दैट इज सेल्स वैल्यू B3 इज लेस देन 30%, देन यू डू हाईलाइटेड इन रेड, इज आई नीड नो रिजल्ट। सो दिस इज योर कंडीशन, आपको कुछ ऐसे ही कंडीशन बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या देता हूँ कि इफ़ वैल्यू इज टू गिव मी स्मॉल एल, एल्स गिव मी स्पेस। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं 30% से नीचे करता हूँ तो यहाँ पे स्मॉल एल आ जाता है। तो इसी तरह से हमें येलो के लिए भी एक पर्टिकुलर कंडीशन देना है इफ़, एंड क्योंकि दो लॉजिक से हमारे पास 30% एंड 50%। सो इफ़ माई सेल नंबर B3 इज मोर देन 30%, कॉमा अगेन माई सेल नंबर B3 इज लेस देन 50%, देन यू गिव मी स्मॉल एल, एंड अगर फॉल्स है तो यू गिव मी अ स्पेस। तो स्मॉल एल क्यों लेते हैं हम, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। उसके बाद हम चले जाते हैं ग्रीन पे। तो ग्रीन का जो फॉर्मूला है वो होगा कि इफ़ माई सेल वैल्यू इज ग्रेटर देन 50%, दैट इज सेल वैल्यू, दैट इज सेल नंबर B3, वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 50%, देन यू गिव मी स्मॉल एल, एल्स यू गिव मी अ स्पेस। सो इस तरह से हम अपने पैरामीटर को सेट करेंगे। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला, चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हमारा जो फॉर्मूला है वो काम कर रहा है। तो अभी हमें जो फॉन्ट टाइप है उसको चेंज करना है और विंडिंग्स पे लेके जाना है। तो विंडिंग्स पे जैसे लेके जाएंगे वो हो जाएगा एक ब्लैक डॉट। ठीक है, तो अभी आप देखते रहिए कि कैसे हमें ट्रैफिक लाइट बनाना है। सबसे पहले हमें इंसर्ट में जाके एक राउंड शेप इंसर्ट करना है। ओके, सो आप इसका कोई भी डायमेंशन, हाइट और ब्रेथ ले सकते हो, लेकिन इंश्योर करो कि आप उसका आउटलाइन हटा देते हैं। और सबसे पहला जो डॉट है वो बनेगा रेड कलर का, क्योंकि ट्रैफिक लाइट में सबसे पहला होता है रेड कलर। और उसका ट्रांसपेरेंसी हम सेट करेंगे 60%, तो 60% आपको लेना है। और इसके बाद आपको कॉपी कर देना है नीचे और वो हो जाएगा येलो कलर। ओके,
क्योंकि हमने ऑलरेडी ट्रांसपेरेंसी सेट कर दिया है, बार बार चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमें लेना है ग्रीन कलर, तो ये हमारे तीन बन गए। अभी आप अलाइन करके इसको सीधा कर लीजिए, सेंटर अलाइन, और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, ठीक है, तो एकदम इक्वल डिस्टेंस पे ये तीनों डॉट्स आ जाएंगे। अभी हमें लेना है एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, अभी हमें जाना है, हम इसमें कोई शेडो भी दे सकते हैं। शेडो देने से एक 3D इफेक्ट आएगा। आप व्यू में जाके ग्रिड लाइन्स हटा दीजिए तो आपका ट्रैफिक लाइट बहुत अच्छे से दिखेगा। उसके बाद हम चले जाते हैं होम पे, यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है हमें, तो टेक्स्ट बॉक्स में इंसर्ट करके फॉर्मूला बार में जाके हमें F3 का जो वैल्यू है वो लेना है, तो इक्वल टू F3। इसके बाद हमारे सेल में वो वैल्यू आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो हमें इसको एक बार चेक करना है, हाँ ठीक है, अभी आ गया। अभी इसका जो फॉर्मेट है वो हमें फिर से चेंज करना है। अभी इसका शेप हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि जो हमारा रेड डॉट है उसके ऊपर वो पर्टिकुलर शेप एंड साइज में आ जाए। अब देखिए ये बहुत ही सिंपल चार्ट है, आप अपने डैशबोर्ड्स में यूज़ कर सकते हैं इसको। इसके लिए कोई VBA नहीं चाहिए, कुछ कोई ऑटोमेशन नहीं चाहिए, कोई ज़्यादा फार्मूला भी नहीं चाहिए। बस आपको समझना है कि कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है डेटा और किस तरह से आपको प्ले करना है डेटा के साथ। इसमें आपको फॉन्ट कलर चेंज करना है क्योंकि हमने फॉन्ट लिया है, और फॉन्ट का जो ग्रेडियंट है वो भी चेंज कर सकते हो, लेकिन हमें फॉन्ट में ग्लो देंगे हम ताकि वो ट्रैफिक लाइट्स की तरह दिखे। इसी को कॉपी करके हम लेके आएंगे अभी नीचे और हमारे येलो सेल के ऊपर डाल देंगे। अभी इसका फॉन्ट टेक्स्ट फील्ड का जो कलर है वो चेंज कर देंगे हम येलो, और उसका जो ग्लो है वो भी हम थोड़ा सा येलोइश कर देंगे। तो आपने देखा कि बहुत ही सिंपल है इसको बनाना, आपको फॉर्मूला चेंज करना है सेल नंबर G3। तो आप देख सकते हो ये काम कर रहा है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। इसको आपको समझना है बस कि आपको कैसे करना है ये चीज़। बहुत ही सिंपल ट्रैफिक लाइट्स है जो हम बना सकते हैं एक्सेल के यूज़ करके, और भी बहुत सारी चीज़ है। और आप मेरे वीडियोस को अच्छी तरह से देखिए, इसमें मार्केट शेयर, फिर डायनेमिक चार्ट्स, ऑटोमेशन, बहुत कुछ मैंने अपलोड किया है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप नीचे लिंक पे क्लिक करके या व्हाट्सएप नंबर पे क्वेरी करके ऑनलाइन क्लास बुक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए जो हमारा वैल्यू है जब भी हम चेंज करते हैं वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चार्ट, ये चार्ट नहीं है बट एक ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक लाइट सिंबल टू एनालाइज आवर डेटा। तो इसके साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, और आप बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू।